व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एको सीरीज को। जी हाँ, जानते हैं काफी टाइम हो चुका है इस सीरीज को आए हुए, एंड काफी टाइम से हम इसे डिले करते जा रहे हैं। बट एज यू ऑल नो, काफी सारी लेटेस्ट चीजें आ रही थी तो ये उसमें दब गई। बट एट लास्ट ये आपके सामने है। एंड रूमर्स तो ये भी आ रहे थे कि मार्वल की तरफ से इस सीरीज को कैंसिल किया जाने वाला है, लेकिन लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड फाइनली ये सीरीज हमारे सामने है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर समय टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 1। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते कुछ लोगों को जिन्हें कि आप नेटिव अमेरिकन बुला सकते हो, एंड यहाँ पे हम देखते कि ये सभी लोग बात ले रहे होते हैं एंड इनके शरीर पे अलग ही कलर चिपका हुआ है। तभी ये लोग बाहर निकलते हैं एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका जो कलर था वो वापस से उतर गया। एंड अब हम कह सकते हैं कि ये लोग बिल्कुल इंसानों की तरह लग रहे हैं। इनकी जो लीडर होती है वो उनसे कहती है उसे फॉलो करने के लिए। तो ये थी एपिसोड 1 की ओपनिंग। इसके अगले सीन में हम देखते हैं दो लड़कियों को, जिनमें से एक है माया लुपेज यानी कि एको, और एक ही उसकी कजन सिस्टर बोनी। एक्चुअली आज के दिन इनका फैमिली मीटअप हुआ है तो ये दोनों भी आपस में एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही इन दोनों की फैमिली भी आग जला के एंजॉय कर रही है। इसके बाद माया लुपेज की ग्रैंड मदर चूला यहाँ से निकल जाती है एंड रास्ते में उन्हें दिखाई देता है एक बर्ड। यहाँ से वो फिगर आउट करती है कि उनके एंसेस्टर्स की तरफ से उन्हें एक मैसेज भेजा गया है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं माया लुपेज को, एंड यहाँ पे वो अपनी मॉम से कह रही होती है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। उसकी मॉम कहती है कि अभी घर पे तो कोई आइसक्रीम नहीं है, हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं और वहीं पे मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला दूंगी। इसके बाद ये दोनों माँ बेटियां निकल लेते हैं, लेकिन रास्ते में जब उसकी मम कार ड्राइव कर रही थी तो यहाँ पे कार के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं एंड इससे इनकी कार का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में माया तो जिंदा बच गई, लेकिन उसकी मॉम को अपनी जान गंवानी पड़ी। माया के पैर में भी कांच घुस गया था जिसकी वजह से उसका पैर कटवाना पड़ा। यहाँ पे चूला आती है और माया के डैड को उल्टा सीधा कहने लगती है। वो कहती है कि मेरी बेटी ने अगर तुमसे शादी ही ना की होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आज मेरी बेटी जिंदा होती। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि माया के डैड ने उन सभी को जान से मार दिया जिसने कि उनकी कार का एक्सीडेंट किया था। वो चूला से कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ जॉब के सिलसिले में, और वो जाने वाला है न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे अंदर आकर वो अपनी बेटी से मिलता है एंड माया उसे बताती है कि मुझे मॉम की काफी ज्यादा याद आ रही है। डेफिनेटली उसके डैड को भी इस चीज से काफी ज्यादा बुरा लगता है, बट एज वी ऑल नो इसमें अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद वो माया को साथ में लेके निकल जाता है न्यूयॉर्क एंड माया की कजन सिस्टर बोनी भी उसके साथ आना चाहती थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब न्यूयॉर्क में माया का स्कूल में दाखिला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माया का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। एक दिन उसके डैड उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि देखो माया, तुम मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग तो डेफिनेटली ले सकती हो, लेकिन साथ ही तुम्हें पढ़ाई पे भी फोकस करना चाहिए, तुम्हें काफी बड़ा इंसान बनना है, मुझसे भी बड़ा। और यही चीज माया को मोटिवेट करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि माया धीरे धीरे बड़ी हो चुकी है और अब उसे एक नकली टांग लगानी पड़ती है, इसी के सहारे वो मार्शल आर्ट्स कर पाती है, लेकिन इस चीज में वो काफी ज्यादा माहिर है, अच्छे अच्छों को वो धूल चटा देती है। इसके बाद वही सीन वापस से रिपीट होता है जो कि हमने हॉकाई सीरीज में भी देखा था, एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि माया के डैड की डेथ हो जाती है। माया उनके पास आती है और उसके डैड उसी के सामने दम तोड़ देते हैं। इसके बाद माया जब अपने डैड की कब्र के पास होती है तो यहाँ पर उसे बोनी का मैसेज आता है जो कि उसे कहती है कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें कोई भी जरूरत हो मुझे कॉल करना, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए रेडी हूँ। इसके बाद समय और बीतता है एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि माया ने धीरे धीरे काफी सारे क्राइम्स कर दिए हैं, तो इसीलिए पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ जाती है। अब वो अपनी बाइक से पुलिस की कार पे अटैक करने लगती है, बट वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और वो उसे पकड़ के ले जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे आ जाता है विल्सन फिस्क यानी कि किंग पिंग। जी हाँ, डेयर डेविल वाला, जैसे कि हॉकाई सीरीज में तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया। अब देखते हैं कि इस सीरीज के अंदर भी इस कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय किया गया है या फिर अच्छी तरीके से इस कैरेक्टर को डेवलपमेंट दी गई है। वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ, लेकिन तुम प्लीज उनकी जान को वेस्ट मत होने दो। मैं भी जब 12 साल का था तो मेरे डैड की जान चली गई थी एंड अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डैड की जान को जाया ना जाने दो। तो एक तरीके से वो माया का यूज करना चाहता है अपने कामों के लिए, तो माया काम करने लग जाती है विल्सन फिस्क के लिए। और अब यहाँ पे वो उसे एक असाइनमेंट देता है, उसे दो लोगों के साथ एक जगह पे जाना है जहाँ पे एक मीटिंग चल रही है एंड यहाँ पे वो लोग हैं जो कि विल्सन के इलाके में धंधा करते हैं, तो इन्हें इन लोगों को खत्म करना है। अब स्टार्टिंग में जब इन लोगों के बीच फाइट स्टार्ट होती है तो सबसे पहले तो माया काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन फाइनली माया अपने डर पे काबू पाती है और उन सभी को बुरी तरह मारने लग जाती है। एंड फाइनली यहाँ पे कैमियो आता है डेयर डेविल का। जी हाँ, पहले एपिसोड में ही डेयर डेविल का कैमियो। एक्चुअली डेयर डेविल भी यहाँ पे उसी पर्पस से आया था जिस पर्पस से यहाँ पे एको आई थी, यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को मारने के लिए। तो एक तरीके से माया ने उसका काम इजी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद डेयर डेविल और माया के बीच में फाइट होती है जहाँ पे माया डेयर डेविल को बहुत ही अच्छी टक्कर देती है एंड इसके बाद डेयर डेविल उसे चकमा देते हुए यहाँ से निकल जाता है। और विल्सन फिस्क इस चीज से काफी ज्यादा खुश होता है, वो कहता है कि आज तक मेरे जितने भी लोग थे वो डेयर डेविल से कभी जीत नहीं पाए, यानी कि उनकी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो डेयर डेविल का सामना कर सके, लेकिन तुम
पहली हो जिसने डट के उसका सामना किया, तो इस चीज के लिए वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। एंड अम्मा एक असैसिन बन चुकी है एंड जाने अनजाने वो क्राइम के रास्ते पे निकल चुकी है। विल्सन के लिए वो सारा का सारा काम कर रही है एंड अब उसे काम करने में मजा भी आ रहा है। वो विल्सन को यहाँ तक बोल देती है कि जब मेरे डैड का किलर मुझे मिलेगा तो मैं अपने हाथों से उसे मार दूंगी। इसके बाद वन बाय वन हमें काफी अच्छी फाइट्स देखने को मिलती हैं एंड फाइनली वो सीन भी आता है जब हॉकआय माया से मिलता है एंड उसे बताता है कि तुम्हारे डैड का कातिल और कोई नहीं बल्कि विल्सन है। वो हमेशा से तुम्हें यूज कर रहा है, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है बल्कि तुम उसके लिए काफी यूजफुल चीज हो, इसीलिए वो तुम्हें अपने साथ रखता है। उसने तुम्हें सिंपथी शो करके काफी नाटक किया, असल में वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो फाइनली यहाँ पे वो सीन आ जाता है जब माया किंग पिन को जान से मार देती है। इसके बाद में सीन दिखाया जाता है 5 महीने बाद का एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी फाइट के चलते माया को चोट आई है एंड यहाँ पे उसके पेट से काफी ज्यादा खून निकल रहा है। वो अपने पेट पे पट्टी बांध लेती है और बाइक ने यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे लगी चोट के कारण उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और देखने में ऐसा लग रहा होता है कि कहीं वो बेहोश ना हो जाए। वेल वो जा रही है ओकियामा नेटिव अमेरिका में। यहाँ पे वो पहुंच जाते हैं अपने बचपन वाले घर में जो कि हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था और अब इस घर में और कोई भी नहीं रहता। यहाँ पे वो खुद ही का ट्रीटमेंट करती है, खुद की मरम पट्टी करके वो सो जाती है और सपने में उसे दिखाई देते हैं उसी के नेटिव लोग यानी कि अपने एंसेस्टर्स। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो बाहर से उसे आवाजें आती है। वो जब बाहर चेक करने जाती है तो यहाँ पे होता है उसी का कजन ब्रदर जिसका नाम होता है बिस्किट। वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे कब तक आई हो। तो वो कहती है कि देखो मैं यहाँ पे काफी जरूरी काम से आई हूँ और ज्यादा टाइम के लिए वो यहाँ पे नहीं रुकने वाली है एंड वो नहीं चाहते कि किसी को भी पता चले कि वो यहाँ पे आई है। इसके बाद वो एक स्केटिंग क्लब में जाती है एंड यहाँ पे वो मिलती है हेनरी नाम के बंदे से। वो हेनरी से कहती है कि मुझे तुमसे काफी जरूरी काम है एंड इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। इस क्लब में काम कर रहा वर्कर किसी को कॉल लगाता है और एको की इन्फॉर्मेशन देता है। वो कहता है कि मुझे किंग पिन का किलर मिल गया एंड अगर उस पर कोई बाउंटी है तो मुझे वो पैसे चाहिए। वेल एको हेनरी से मिलने के लिए इसलिए आई थी ताकि वो किसी डॉक्टर से उसका इलाज करवा दे। एक्चुअली एको के पेट में लगी हुई थी गोली। जी हाँ, इतनी देर से जो वो दर्द झेल रही है वो और किसी चीज का नहीं बल्कि बुलेट का है। तो डॉक्टर उसका इलाज कर देती है एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी बहन बोनी पे नजर रख रही है। उसकी बहन एक फायर डिपार्टमेंट में काम करती है एंड यहाँ पे हेनरी उससे कहता है कि तुम्हें अपनी बहन से एक बार जाके मिल लेना चाहिए क्योंकि अगर तुम्हारी बहन को ये पता चला कि तुम यहाँ पे हो एंड उससे जाके अभी तक नहीं मिली तो उसे सच में काफी ज्यादा बुरा लगेगा। एको कहती है कि देखो मुझे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ये सब करने के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ। अब हेनरी को ये बात पता चल जाती है कि एको यहाँ पे किसी रीजन से आई है यानी कि कोई मिशन है जो कि उसे फुलफिल करना है। एको यहाँ पे उसके साथ अपना मिशन शेयर करती है एंड कहती है कि इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक्चुअली उसे इलिमिनेट करना है विल्सन फिस्क के सारे लोगों को, मतलब कि विल्सन फिस्क को तो वो जान से मार चुकी लेकिन उसके जितने भी लोग हैं वो अभी भी उसके पीछे पड़े हुए हैं तो वो उन सभी से पीछा छुड़ाना चाहती है और साथ ही उन्हें जान से मारना भी चाहती है। हेनरी इस चीज से काफी ज्यादा डर जाता है और कहते हैं कि देखो किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम मुझसे मिली थी एंड इस चीज में मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। अगर तुम्हें ये सब कुछ करना है तो जाओ और खुद ही अपनी हेल्प कर लो। फिर एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी बंदे का ट्रीटमेंट चल रहा था और ये और कोई नहीं बल्कि विल्सन फिस्क था, यानी कि किंग पिंग अभी मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। तो इसी सरप्राइज के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि एपिसोड नंबर 2 में क्या होगा। फिलहाल के लिए इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू इन द चैनल। शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस अप। What's up guys, welcome back to our channel और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एको सीरीज के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। इससे पहले एपिसोड नंबर 1 भी हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। एंड साथ ही आपको बता दूं कि हमने बर्लिन सीरीज को भी फाइनली खत्म कर दिया है, तो अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो देर किस बात की, जाइए एंड उसे भी एंजॉय करिए। वेल तो एको के लास्ट एपिसोड में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे माया लुपेस की बैक स्टोरी चल रही है एंड एट द एंड उसने किंग पिन को शूट कर दिया था और वो निकल गई थी विल्सन फिस्क के सारे लोगों को मारने के लिए। लेकिन एपिसोड की एंडिंग में हमें पता चला था कि किंग पिन अभी जिंदा है। सो नाउ लेट्स बिगिन एपिसोड नंबर 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक पास सीन को दिखाते हुए एंड यहाँ पे हम देखते हैं कुछ नेटिव अमेरिकन्स को और यहाँ पे चल रहा है एक गेम। ये गेम काफी जानलेवा है। यहाँ पे एक रेड टीम है और एक ब्लू टीम है। जो टीम जीतेगी वो यहाँ पे रह सकती है और जो टीम हारेगी वो हमेशा के लिए एलिमिनेट कर दी जाएगी। पहले तो यहाँ पे रेड टीम ब्लू टीम पे भारी पड़ रही होती है लेकिन तभी ब्लू टीम वाले अपने सबसे पावरफुल मेंबर को बुला लेते हैं और वो यहाँ पे आके पूरी बाजी पलट के रख देता है। अब रेड टीम हार रही थी एंड ब्लू जीत रही थी, पर तभी रेड टीम में एक लेडी को कुछ विजन्स आते हैं और यहाँ पे उसे अपने एंसेस्टर्स दिखाई देते हैं। इसके बाद उसके अंदर अचानक से काफी ज्यादा पावर आ जाती है एंड फाइनली अपने पावर के बेसिस पे वो ब्लू टीम को हरा देते हैं। तो ये तो था पास्ट का सीन। नाउ लेट्स कम बैक इन द प्रेजेंट टाइम। यहाँ पे हम देखते हैं कि एको सो रही होती है
और जैसी उठती है तो उसे दिखाई देता है कि उसके कजन यानी कि बिस्किट्स ने उसे कई सारे मैसेज करे हुए हैं। और जब वो बाहर जाके देखती है तो यहाँ पे बिस्किट उसके लिए काफी सारा सामान लाया होता है जो कि माया ने उसे मंगाया है। इसके बाद वो उसे एक और लिस्ट दे देती है एंड कहती है ये सामान भी लाने के लिए। यहाँ पे बिस्किट उसे पूछता है कि क्या हम सही चीज कर रहे हैं, क्या ये इलीगल नहीं है। तो माया उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे देती है जिससे कि वो अपना मुंह बंद रखे। इसके बाद हम देखते हैं कि बिस्किट जाता है एक शॉप पे और ये होती है उसके और माया के नाना स्कली की शॉप। वेल उनके नाना एक पॉन शॉप चलाते हैं, PORN वाला नहीं PAWN वाला। तो यहाँ पे बिस्किट उनकी काम करने में हेल्प करता है और साथ ही वो सामान भी ले जाता है जो कि माया ने उससे मंगाया था। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं चूला को जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रही होती है दुकानों के बारे में, यानी कि वो कुछ शॉप लगाने वाले हैं, इसी बारे में उनका डिस्कशन चल रहा होता है। और तभी उन्हें फील होता है कि माया यहाँ पे आ चुकी है। वेल माया ने इस चीज को बिल्कुल सीक्रेट रखा हुआ है यानी कि अभी तक किसी को ये बात नहीं पता है, लेकिन उन्हें इस चीज की फीलिंग आ गई और पता चल गया कि माया यहाँ पे आ रखी है। इसके बाद चूला जाती है हेनरी के पास और उससे पूछती है कि क्या माया यहाँ पे आई है। तो हेनरी उसे बता देता है कि हाँ वो यहाँ पे आ रखी है। फिर चूला उससे माया के यहाँ पे आने का रीजन पूछती है तो हेनरी उससे कहता है कि देखो रीजन तुम ना ही जानो तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज एज वी ऑल नो अगर चूला को ये बात पता चली कि माया यहाँ पे विल्सन फिश के लोगों को मारने के लिए आई है तो उन्हें काफी ज्यादा टेंशन हो जाएगी। तो अब चूला हेनरी से कहती है कि प्लीज बॉनी को ये बात मत बताना कि माया यहाँ पे आ रखी है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो बताती कि कुछ टाइम पहले उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अनबन हुई थी जिससे कि शायद दोनों को एक दूसरे की बात का बुरा लगा होगा और शायद यही रीजन है कि माया बॉनी की हेल्प नहीं चाहती। और साथ ही वो हेनरी से ये भी कहती है कि माया को बिस्किट्स को इस चीज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा इनोसेंट है और माया के चक्कर में बेचारा वो फंस जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि माया और बिस्किट कार में कहीं पे जा रहे होते हैं और यहाँ पे माया बिस्किट की फोन में एक ट्रैकर लगा देती है जिससे कि बिस्किट्स माया की लोकेशन को ट्रैक कर सके। इसके बाद माया ने जो भी सामान बिस्किट से मंगाया था वो सब लेके वो ट्रेन के ऊपर कूद जाती है और फाइनली हमें पता चलता है कि वो ये सब कुछ क्यों मंगा रही थी। इसके बाद वो एक डब्बे में कूद जाती है और नेविगेट करने लगती है उस जगह को जहाँ पे उसे पहुंचना है। फाइनली उसे जिस डब्बे जाना था वो उस डब्बे में पहुंच जाती है और यहाँ पे उसे एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है जिसे वो ओपन करती है तो हमें नहीं दिखाया जाता कि उसमें क्या है। इसके बाद उसके अंदर बॉम्ब लगा देती है ताकि अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ये सामान डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके बाद जब वो डब्बे से बाहर आ रही होती है तो यहाँ पे उसका पैर चेन में फंस जाता है और ये वही चेन है जो कि दो डब्बों को आपस में जोड़ के रखती है। वैसे उसका असली पैर यहाँ पे नहीं फंसा होता बल्कि जो स्टील का पैर उसने लगा रखा है वो ना सिर्फ फंसता है बल्कि डैमेज हो जाता है। बिस्किट्स भी उसकी लोकेशन ट्रैक करते हुए उसके पीछे आ रहा होता है एंड यहाँ पे माया काफी ज्यादा ट्राई कर रही होती है वहां से निकलने की, लेकिन वो इतनी ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाती। तभी उसे विजन आते हैं उसी लेडी के जो कि हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी और वो रेड टीम की तरफ से फाइट कर रही थी। इसके बाद उसे एक और विजन आता है जो कि उसी एंसेस्टर का होता है जो कि उस लेडी को भी आया था। इसके बाद माया के अंदर अचानक से पावर आ जाती है और वो खुद का पैर निकाल लेती है, लेकिन चलने में उसे अभी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अब बिस्किट ट्रक लेके यहाँ पे पहुंच जाता है एंड आगे होता है एक टनल, यानी कि माया के पास बस एक ही चांस है, उसको जल्दी से बिस्किट्स के ट्रक में कूदना पड़ेगा। वो हिम्मत करके उसके ट्रक में जंप कर लेती है एंड यहाँ पे बिस्किट्स भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि देखो माया, अगर तुमने किसी आलतू फालतू चीज की चोरी करी होगी अपनी जान को इतना रिस्क में डाल के तो मैं तुम पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाला हूँ। तो यहाँ पे माया रिवील करती है कि मैं कोई चोरी करने के लिए नहीं गई थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो ट्रेन न्यूयॉर्क में पहुंच चुकी है एंड फिर जब उस कंटेनर को वेयर हाउस के अंदर लाके खोला जाता है तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है एंड हम देखते हैं कि माया ने एक नहीं बल्कि कई सारे बॉम्ब लगा रखे थे और यहाँ पे पूरा का पूरा वेयर हाउस डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद हेनरी के पास कॉल आता है एंड उसे पता चलता है कि जो सामान इन लोगों ने न्यूयॉर्क भेजा था उसमें किसी ने बॉम्ब लगा दिया और अब वो ब्लास्ट हो चुका है। फिर वो जाके सभी से मिलता है एंड कहता है कि चिंता मत करो, मैं हमारे ऊपर ये बात नहीं आने दूंगा बिकॉज जो कुछ भी हुआ है वो बीच में हुआ है, हमारी साइड से कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ है, हमने वो बॉम्ब लगा के नहीं भेजा। एंड यहाँ पे हेनरी को पता चल चुका है कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि माया का है। वेल सारा का सारा सामान था किंग पिन की इंडस्ट्री का, यानी कि सारा सामान एक तरीके से किंग पिन के अंडर आता है, तो माया ने किंग पिन का सामान ही डिस्ट्रॉय किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने नाना के पास बैठी होती है और यहाँ पे उसका मेटल वाला पैर रिपेयर कर रहे होते हैं। तभी हेनरी माया को मैसेज करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ तुमने किया है और तुम्हें मुझसे एक बार मिलना पड़ेगा। तो यहाँ पे माया भी रिप्लाई देना चालू कर देती है। वो कहती है कि देखो उन लोगों ने पहले मुझ पे हमला किया इसीलिए मैंने उन पे अटैक किया। तो यहाँ पे हेनरी उससे कहता है कि देखो उनकी आर्मी काफी ज्यादा बड़ी है और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन्हें हरा सकती हो। इसके बाद वो रिप्लाई देती है कि देखो मैंने एक तरीके से उनके सारे के सारे हथियार डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, तो बिना हथियार के तो वो हमला कर नहीं सकते और अगर करेंगे भी तो उन्हें टाइम लगेगा। तभी हम देखते हैं कि माया के नाना उसके लिए एक नया पैर बना देते हैं और कहते हैं कि पुराने वाले को रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक तुम इससे काम चलाओ एंड इसी बहाने कुछ दिन यहीं पे रुक जाओ क्योंकि वैसे भी आजकल तुम यहाँ पे आती नहीं हो। माया उस पैर में कंफर्टेबल तो नहीं होती लेकिन काम चलाने के लिए ठीक है। तभी माया को शॉप में दिखाई देती
कुछ मूर्तियां एंड इनकी शक्लें बिल्कुल उनकी तरह दिखती हैं जिनके माया को ग्लिम्स आते हैं यानी कि उसके एंसेस्टर्स। वो इनके बारे में अपने नाना से पूछती है तो उसके नाना वही एपिसोड नंबर 1 वाला सीन एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वो लोग एक केव में खो गए थे एंड तभी एक लेडी ने उनकी हेल्प करी। यही सारा ओरिजिन वो उसे एक्सप्लेन करते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बिस्किट्स को। लास्ट टाइम जब वो माया के साथ गया था तो उसके ट्रक को काफी ज्यादा हार्म हो चुका है एंड चूला अगर ये देखेगी तो काफी ज्यादा गुस्सा करेगी, इसीलिए वो ट्रक को रिपेयरिंग शॉप में ले आता है। तब यहाँ पे बॉनी बिस्किट्स को किसी काम से कॉल करती है और यहाँ पे गलती से बिस्किट रिवील कर देता है कि माया यहाँ पे आ चुकी है यानी कि माया टाउन के अंदर है और अब बॉनी को भी ये बात पता लग चुकी। इसके बाद हम देखते हैं कि माया एक जगह पे बैठी होती है और तभी यहाँ पे आ जाता है हेनरी। हेनरी माया को सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है कि देखो जिस पाथ पे तुम चल रही हो उसमें ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को खतरा है और तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली उनसे फाइट कर सकती हो। वो कहता है कि ये मैं सोचू कि खाली तुम खतरे में हो, तुम अपनी पूरी की पूरी फैमिली को डेंजर में डाल रही हो। लेकिन इस वक्त माया ये सब कुछ नहीं सोच रही है, वो बचाती है किंग पिन की जगह लेना। एंड बिल्कुल एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि उसके पास बॉनी का मैसेज आता है जो कि उससे पूछते हैं कि तुम टाउन में हो एंड मुझे बताया भी नहीं। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो फिलहाल के लिए तो कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है एंड ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि एपिसोड नंबर 3 में क्या होता है। वेल इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू इन अ चैनल, शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस अप। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एको सीरीज के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। इससे पहले के दोनों एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि माया ने कैसे कसम खा ली है कि वो पावर को गेन करेगी यानी कि किंग पिन के लोगों को हरा के खुद सारी की सारी पावर अपने अंडर कर लेगी, लेकिन हेनरी इस चीज के अगेंस्ट था एंड फाइनली बॉनी को भी ये बात पता चल गई कि माया इसी टाउन में है। So now, let's begin episode number 3. एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक बहुत ही बड़े फ्लैशबैक से, यानी कि यहाँ पे मूवी चल रही ब्लैक एंड व्हाइट में और ये सीन है नेटिव अमेरिकन का और टाइम है 1800s का। यहाँ पे हम माया की एक और एंसेस्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है ट्यूक्लो। वो काफी ज्यादा टैलेंटेड होती है यानी कि गन वगैरह चलाने में काफी ज्यादा माहिर होती है एंड इस टाइम पे क्रिमिनल्स भी काफी ज्यादा रहते थे और यहाँ की पुलिस को कहा जाता था लाइट हॉर्समैन। ट्यूक्लो अपने डैड से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी लाइट हॉर्समैन का पार्ट बनना है यानी कि उसे भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है, लेकिन उसके डैड इस चीज के लिए नहीं मानते। फिर एक दिन हम देखते हैं कि लाइट हॉर्समैन की पूरी टीम निकली होती है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो खुद ही उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। यहाँ पे क्रिमिनल्स काफी सारे होते हैं और वो बस लाइट हॉर्समैन को मारने वाले होते हैं, लेकिन ट्यूक्लो को अपने डैड को बचाना होता है तो इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो इस फाइट को ज्वाइन करेगी एंड तभी उसे भी ग्लिम्स आते हैं एंड दिखाई देते हैं अपने एंसेस्टर्स, साथ ही दिखता है होली वाटर जिसे पी के उसके अंदर आ जाती है पावर्स। फिर काफी अच्छी स्किल्स दिखाते हुए वो सारे के सारे क्रिमिनल्स को मार देती है, ना सिर्फ अपने डैड को बल्कि लाइट हॉर्समैन की पूरी टीम को बचा लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस से प्रेजेंट में। यहाँ पे हम देखते हैं कि चूला यानी कि माया की नानी आई होती है अपने एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए। जी हाँ गाइस, माया की नानी और नाना साथ में नहीं रहते हैं, वो अब अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पे जब माया के नाना आते हैं तो वो चूला को समझाते हैं कि माया यहाँ पे आ रखी है एंड एक बार तुम्हें माया से मिलना चाहिए, बट चूला इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है, वो माया के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विकी को, जैसे कि हमने एपिसोड नंबर 1 में भी देखा था, जो कि उसी स्केटिंग बार में काम करता है और उसने एक बार कॉल लगाया था किंग पिन के लोगों को और बताया था कि उसको पता है कि माया कहाँ पे है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा होता है जेन से जो कि किंग पिन का एक खास आदमी है एंड यहाँ पे विक्की उसे कह रहा होता है कि देखो मुझे पता है कि माया कहाँ पे है, तुम उस बाउंटी रेडी रखो एंड मैं माया को तुम्हें पकड़ के दे दूंगा। जैन कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे भी दे दूंगा, तुम बस माया को शहर से बाहर मत जाने देना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माया घर के आसपास टहल रही होती है एंड तभी यहाँ पे उसे ग्लिम्स आते हैं ट्यूक्लो के, लेकिन तभी उस पे हो जाता है अटैक। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसी स्केटिंग बार के अंदर माया उल्टी लटकी हुई होती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि विकी ने अपनी टीम के साथ मिलकर माया को पकड़ लिया जस्ट बिकॉज उसे बॉन्टी मिलने वाली है। साथ ही हम देखते हैं कि उसने हेनरी को भी पकड़ के रख लिया है। इसके बाद बॉनी स्केटिंग बार में आती है माया से बात करने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेनरी बिल्कुल फ्री हो गया होता है क्योंकि विक्की ने उसे कहा है कि बॉनी को ऐसा दिखाना है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और उसे जल्दी से यहाँ से भगा दो। तो यहाँ पे हेनरी बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन अपने हाथों से वो बॉनी को इशारा कर देता है कि वो काफी सारा मुसीबत में है एंड वो यहाँ से जाके पुलिस को कॉल लगाए। बॉनी बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो बाहर जाके पुलिस को कॉल लगा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे विक्की और उसकी टीम उसे पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि बॉनी को भी बांध रखा होता है माया के साथ एंड यहाँ पे माया के पास होता है एक चाकू जिसकी मदद से वो फ्री हो जाती है एंड इसके बाद वो बॉनी को भी फ्री कर देती है। अब वो कुछ हथियार ढूंढ रही होती है जिनके हेल्प से वो यहाँ से बस्ते में निकल जाए, लेकिन
बॉनी उसे बात करने के लिए कहती है और कहती है कि हमें अपने रिलेशन को वापस इम्प्रूव करना चाहिए। डेफिनेटली बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है ये सब बातें करने के लिए, तो माया उसे इग्नोर करके अपने काम में लगी रहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विकी हेनरी की पहरेदारी कर रहा होता है और यहाँ पे हेनरी उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि देखो अगर तुम चाहो तो मुझे अपने पास रख लो, बट प्लीज बॉनी और माया को यहाँ से जाने दो। तो यहाँ पे विक्की उसे बताता है कि माया तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माया की तो बॉन्टी लगी है, तुमसे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं जब माया को पकड़वाऊंगा तभी मुझे पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे हेनरी उसे साफ साफ बोलता है भाई तू पागल है, जो तुझे ये लग रहा है कि तुझे पैसे मिलेंगे तुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट टीम में हम देखते हैं कि विकी की टीममेट जाती है माया और बॉनी के पास एंड यहाँ पे माया बॉनी से फेक लड़ाई स्टार्ट कर देती है जिससे कि एटलीस्ट वो बॉनी को तो बाहर ले जाए, तो उसका प्लान काम कर जाता है एंड वो बॉनी को बाहर लेके निकल जाती है। इसके बाद माया हथियार बनाना चालू करती है, वो स्केटिंग शूज से बना देती है एक गन, मतलब ये एग्जैक्ट गन तो नहीं होती लेकिन बिल्कुल उसी की तरह काम करती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जेन आ गया होता है और यहाँ पे वो सारी की सारी सिचुएशन अपने कंट्रोल में लेता है। विकी काफी ओवर स्मार्ट बन रहा होता है लेकिन जेन यहाँ पे उसे कोई भी पावर नहीं देता बल्कि उसे बहुत ही नॉर्मली ट्रीट करता है। फिर हम देखते हैं माया को जो कि अपनी बनाई हुई गन से एक ट्यूबलाइट को फोड़ देती है। इसके बाद यहाँ पे एक विक्की की टीम पार्टनर आती है और यहाँ पे माया उसे फाइट करके उसे नॉकआउट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि जेन हेनरी से बातचीत चालू करता है और कहता है कि माया को ढूंढने में मेरी हेल्प करो, आखिर माया कहाँ पे है ये मुझे बताओ। तभी विक्की और उसके पार्टनर के पास आती है एक फोटो जो की भेजी होती है माया ने एंड यहाँ पे फोटो होती है उन्हीं की पार्टनर की जिसे की माया ने अपने कब्जे में कर रखा है। तो यहाँ पे विक्की जेन के पास जाता है मामले को संभालने के लिए और तभी जेन यहाँ पे उसके पे गोली मार के उसका काम खत्म कर देता है और इस सीन डेफिनेटली काफी ज्यादा ब्रूटल था, यानी कि डिज्नी से हम ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नेटफ्लिक्स में जो पहले मार्वल के शोज आते थे लाइक डे डेविल वगैरह उसमें तो इतना खून खराबा चल जाता था बट इसमें इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अब यहाँ पे जेन आता है हेनरी के पास उससे पूछताछ करने के लिए बट तभी यहाँ की लाइट बंद हो जाती है और बहुत ही तेज म्यूजिक प्ले होने लगता है। अब जेन के सारे आदमी जाते हैं माया के पास उसे मारने के लिए बट तभी यहाँ पे माया बाहर आती है और सभी को बुरी तरीके से मारने लग जाती है। यहाँ पे माया अपनी सारी स्किल्स दिखा रही होती है एंड इसके पैरेलल एक और सीक्वेंस चल रहा होता है जहाँ पे हम देखते हैं ट्यूक्लो को फाइट करते हुए और हम देख पाते हैं कि माया और ट्यूक्लो के मूव्स काफी ज्यादा सिमिलर हैं। ये सीन काफी ज्यादा ऑसम होता है लेकिन फिर भी जेन के आदमी काफी ज्यादा थे तो वो माया को पकड़ लेते हैं एंड यहाँ पे बस उसका खेल खत्म होने वाला होता है, वो हेनरी और माया दोनों को मारने वाले होते हैं। और तभी जेन के पास आता है एक कॉल और इस कॉल के बाद वो माया और हेनरी दोनों को छोड़ देता है और ये चीज सच में नोट करने वाली है, मतलब कि उसने इतनी ज्यादा मेहनत करी, विकी को जान से मार दिया, इतनी दूर से यहाँ पे आया सिर्फ और सिर्फ माया को मारने के लिए, लेकिन उसे बस एक फोन आया और उसने माया और हेनरी दोनों को छोड़ दिया। एनीवेज जब जेन उन्हें फ्री कर देता है तो माया बॉनी को लेकर बाहर जाती है और उसे कहती है सीधा घर पे जाने के लिए और उसे कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी और कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेनरी और माया आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम डिस्कशन चल रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जेन हम दोनों को मारने के लिए इतनी दूर तक आया और बस एक फोन के चलते वो रुक गया। यहाँ पे हेनरी सीधा पॉइंट आउट करके माया को बता देता है इसका मतलब किंग पिन अभी भी जिंदा है बिकॉज और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो हमें छोड़ दे। तो माया उसे कहती कि देखो मैंने उसकी आंख में गोली मारी थी, यानी कि बिल्कुल फेस पे, तो उसके जिंदा बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। माया अपनी साइड से बिल्कुल क्लियर होती है यानी कि किंग पिन जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माया घर पे आ गई होती है और यहाँ पे उसके नाना उसके लिए एक सरप्राइज लाए होते हैं एंड ये सरप्राइज होता है उसका लेग, उन्होंने उसकी टांग को सही कर दिया होता है और काफी अच्छी तरीके से उसे सजा दिया होता है। ये नाना और पोते के बीच एक बहुत ही क्यूट सा सीन होता है, साथ ही उसके नाना उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हें चूल्हा से मिलना चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो जरूर मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में माया बाहर निकलती है और एक बाइक पे चली जाती है लॉन्ग ड्राइव पे, वो काफी दूर एक कैफे में आती है और अंदर वो देखती है कि बॉनी बैठ के उसका वेट कर रही है लेकिन वो उससे मिले बिना ही वापस घर पे चली जाती है एंड यहाँ पे उसे मिलता है एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज। वो जैसे ही घर पे आती है तो उसके सामने खड़ा होता है किंग पिन, उसकी आंख पे पट्टी लगी होती है लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। उसको देख के वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है बिकॉज उसे अभी तक लग रहा था कि किंग पिन मर चुका है बट ही इज अलाइव और एपिसोड नंबर 3 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो फिलहाल के लिए तो स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चली रही है, अभी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि एपिसोड नंबर 4 में क्या होता है। वेल इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू इन अ चैनल, शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस अप। What's up guys, welcome back to our channel और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एको सीरीज के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले के सभी एपिसोड्स को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही सबकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑल्सो माय टाइम एनीमोर लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 4। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे माया को लग रहा था कि उसने विल्सन फिस्क को फाइनली मार दिया है, लेकिन जब वो अपने घर पे आई तो उसे विल्सन फिस्क अपने सामने दिखा
और एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग होती है ईयर 2008 से। यहाँ पे माया को देखते हैं जो कि स्कूल के लिए जा रही है और रास्ते में उसे दिखता है एक आइसक्रीम वाला। वो उसे आइसक्रीम मांग रही होती है, बट एज वी ऑल नो माया को बोलना नहीं आता। तो यहाँ पे पहले तो वो बंदा बड़ी प्यार से उसे पूछ रहा होता है कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन जब माया ये सब कुछ बोल ही नहीं पा रही होती तो वो उसे काफी रूडली बिहेव करने लग जाता है। वो उसे डांटते हुए यहाँ से भगा देता है। वहीं भी हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर विल्सन फिस्क बैठकर माया को देख रहा है और उसने ये चीज नोटिस कर ली है कि उस आइसक्रीम वाले ने माया से बदतमीजी से बात करी, यानी कि काफी गुस्से में बात करी। तो विल्सन फिस्क उसके पास जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, इतनी बुरी तरीके से कि उसके पूरे कपड़ों में खून लग जाता है। तो वो अपनी टीम से बोलता है कि उसको नए कपड़े लाके दे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि माया उसे इस हालत में देखे। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि माया इतनी देर से दूर से खड़ी उसे देख रही थी। माया उसके पास आती है एंड विल्सन फिस्क यहाँ पे उससे बोलता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन माया को इस चीज से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, उल्टा वो तो उस आइसक्रीम वाले को दो लाते और मार के जाती है। इसके बाद वो दोनों साथ में निकल लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है ईयर 2021 में एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि माया काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और वो काम करती है विल्सन फिस्क के लिए। यहाँ पे विल्सन उसे बता रहा होता है कि अब टाइम आ चुका है तुम्हारे फाइनल लेसन का, एंड फाइनल लेसन ये होगा कि उन दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, यानी कि दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल भी सीक्रेट्स नहीं रखने हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे पे अच्छी तरीके से ट्रस्ट करेंगे। एंड यहाँ पे एक लेडी भी होती है जो कि विल्सन फिस्क की बातों को समझाती है एको को और एको की बातों को समझाती है विल्सन फिस्क को। बट अब यहाँ पे वो कहता है कि हमें इस लेडी की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं बोलूंगा और तुम मेरी बातें समझोगी और तुम जो बोलोगी मैं तुम्हारी बातें समझूंगा। इसलिए वो उस लेडी को भिजवा देता है मरवाने के लिए, बिकॉज उन दोनों के बीच की जितनी भी सीक्रेट बातें रही होंगी वो उस लेडी को डेफिनेटली पता होगी। तो बिल्कुल इसीलिए वो उसे मरवाने वाला है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और यहाँ पे माया के सामने खड़ा था किंग पिन। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाती उसके दोनों आदमी आके माया को पकड़ लेते हैं एंड फिर विल्सन उसके पास में आके उसकी आंखों में कुछ डालने लगता है। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो उसकी आंखों में कुछ लेंस लगा रहा था, जिससे कि वो कुछ भी बोलेगा माया को वो सारी चीजें अपने आप ही समझ आ जाएंगी। एंड सेम विद विल्सन फिस्क, माया जो भी इशारा करेगी वो सारा का सारा डिकोड हो जाएगा विल्सन फिस्क के सामने। और यहाँ पे विल्सन फिस्क के इंटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं माया को मारने के। वो माया को अंदर लेके जाता है और कहता है कि हमने काफी टाइम से संडे डिनर नहीं किया है साथ में। अब वो माया के साथ डिनर करने लगता है और डिनर करते हुए भी वो माया को ऑफर दे रहा होता है कि देखो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया एंड मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे ज्वाइन करो, तुम्हें न्यूयॉर्क में आके मेरा काम संभालना चाहिए, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ एंड सच में मैं तुम्हारी बहुत ही ज्यादा केयर करता हूँ। अब यहाँ पे माया सीधा जाती है हेनरी के पास एंड उसे सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है कि विल्सन फिस्क कभी भी जिंदा है, वो मेरे पास आया था एंड मुझे बोल रहा था कि न्यूयॉर्क में मैं उसके साथ ज्वाइन करूं। तो यहाँ पे हेनरी उसे बिल्कुल मना कर देता है। वो कहता है कि देखो विल्सन फिस्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है, वो बस तुम्हारा यूज कर रहा है एंड टाइम खत्म होने पर वो तुम्हें मार देगा। वो उसे बोलता है कि आज मैं अकेला इसीलिए हूँ क्योंकि मेरी फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे एंड जितने भी मेरे साथी वगैरह थे सबको विल्सन फिस्क ने मरवा दिया है एंड अगर तुम भी उसके साथ जाती हो तो स्टार्टिंग में वो भले तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगा बट एट द एंड तुम्हें कैसे दलदल में फंस जाओगी जहां से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे माया उसके सामने क्वेश्चन रखती है कि जब मैं न्यूयॉर्क में थी तो मुझे एक बार देखने के लिए भी नहीं आए। हेनरी इन सारी चीजों को भूल जाने के लिए कहता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम विल्सन फिस्क को ज्वाइन मत करना। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि चूला की प्रिपरेशन चल रही है, जैसे कि चॉकटाउन नेशन जो कि शॉप वगैरह की बातें कर रही थी लास्ट एपिसोड में, ये सब कुछ प्रिपरेशन अब चल रही है एंड तभी उसे ग्लिम्स आते हैं अपने एंसेस्टर्स के। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं माया को और उसे भी चूला की तरह अपने एंसेस्टर्स के ग्लिम्स आने लग जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि चूला और माया आपस में कनेक्टेड है, ऑफकोर्स होंगे बिकॉज एक फैमिली के पार्ट हैं। लेकिन यहाँ पे माया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पे हेनरी उसे चूला के पास ले जाने लगता है, पर रास्ते में जब उसकी आंख खुलती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो बस अब चूला के पास पहुंच गए थे और माया नहीं चाहती थी चूला से मुलाकात करना। वो यही चाहती है कि पहले चूला उससे मिले तभी जाके वो मिलेगी, बट अब जब वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं तो उसे फाइनली अंदर जाके मिलना ही पड़ेगा। अब अंदर जाके वो चूला से मिलती है एंड यहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर एको की मॉम के बारे में बताती है कि कैसे वो पैदा हुई थी और उन्हें भी ये सारे के सारे ग्लिम्स आते थे एंड ये ग्लिम्स खानदानी है, ये सभी को आते हैं। एक्चुअली ये लोग जब भी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो इनके एंसेस्टर्स इन्हें पावर्स देते हैं, जैसे कि हमने एको के साथ भी देखा कि जब भी वो किसी मुसीबत में पड़ती है उसे अपने एंसेस्टर्स के ग्लिम्स आते हैं और उसे काफी भयानक पावर्स मिल जाती है जैसे कि वो अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन यहाँ पे अभी भी माया अपनी नानी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी कि जब वो छोटी थी तो उन्होंने उसे अपने पास नहीं रखा बल्कि अलग ही पटक दिया। इसके बाद माया नीचे जाती है एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास एक ड्रेस रखी होती है एंड ये होती है उनके एंसेस्टर्स की ड्रेस। फिर सीन शिफ्ट होता है और
हम देखते हैं माया के कजन बिस्किट्स को। एंड यहाँ पे उसे एक ऑफर मिलता है कि चूल्हा का ट्रक ठीक करने के लिए उसे जो भी सामान चाहिए यहाँ से लेके जा सकता है। एंड ये उसके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। इसके बाद हम देखते हैं माया जाती है किंग पिन से मिलने के लिए। एंड जाते ही वो उस पर गन तान देती है। यहाँ पे किंग पिन भी उसे बोलता है कि देखो तुम्हें मुझे ज्वाइन करना है तो करो, अदरवाइज अगर तुम चाहती हो मुझे मारना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, तुम आराम से मुझे मार सकती हो। और ये चीज याद रखो, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, बिकॉज अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं कब का मार देता। एंड ये चीज हमें भी पता है कि किंग पिन चाहे तो अभी माया को खत्म करके रख सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा कि वो माया को अपने साथ रखना चाहता है। इसके बाद किंग पिन खड़ा होता है और माया के लिए निकालता है एक गिफ्ट। ये होता है एक हैमर। तो जो ओजी डेयर डेविल फैंस हैं उन्हें तो पता लग गया होगा इस हैमर के पीछे का राज, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। एक्चुअली जब किंग पिन बच्चा था तो उसके डैड उसे बहुत ही बेकार तरीके से ट्रीट किया करते थे, साथ ही उसकी मॉम को भी बहुत ही बुरी तरीके से मारा करते थे। एंड एक ऐसा टाइम आ गया था जब वो अपने डैड से बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गया था, तो उसने इसी हैमर से अपने डैड को जान से मार दिया। तो यही हैमर अब वो दे रहा है एको को, या अगर उसे किंग पिन पे गुस्सा आ रहा है तो वो उसे मार दे। बट वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है, बल्कि मान जाती है न्यूयॉर्क में किंग पिन का काम ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं किंग पिन को जो कि अपने प्लेन में बैठा होता है। एंड यहाँ पे वो पता कर रहा होता है माया लुपियस के बारे में कि वो यहाँ पे आ रही है या नहीं। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं माया को जो कि बाइक पे सवार होकर कहीं पे निकल चुकी है। साफ साफ मतलब है कि उसने किंग पिन को धोखा दे दिया एंड वो उसके साथ नहीं आ रही। यहाँ पे किंग पिन भी ये सब को सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पूरे प्लेन पे मुक्के मारने लग जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो अभी तक तो स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग चल रही है, अब देखते हैं कि एपिसोड नंबर 5 में क्या होता है। लास्ट एपिसोड है वैसे वो। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू इन अ चैनल, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस अप। What's up guys, welcome back to our channel, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एको सीरीज के एपिसोड नंबर 5 के बारे में, यानी कि सीरीज के लास्ट एपिसोड के बारे में। जी हाँ, बाकी सीरीज की तरह इसमें 6 एपिसोड्स नहीं थे बल्कि इसमें 5 ही थे। वैसे से पहले के जितने एपिसोड्स थे हम उन सभी को डिटेल में कवर कर चुके हैं, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और चेकआउट करिए। साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर समय एंड टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 5। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंग पिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका है, माया उसे धोखा देके यहाँ से निकल चुकी है। तो अब देखते हैं एपिसोड नंबर 5 में क्या होता है। एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग होती है एक पास का सीन दिखाते हुए। यहाँ पे हम देखते हैं माया लुपियस को जो कि काफी छोटी थी, एंड यहाँ पे वो कर रही थी शूटिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे उसे दिखाई देता है एक पक्षी और वो उसे नॉकआउट कर देती है। इसके बाद वो उस पक्षी को लेके आती है अपनी मॉम के पास और कहती है कि मॉम ये पक्षी मुझे नीचे गिरा हुआ मिला। बट उसकी मॉम समझ जाती है कि आखिर इसने क्या किया है, तो उनके कहने पे माया को ये चीज एडमिट करनी पड़ती है कि हाँ मैंने इस पक्षी को मारा था। उसकी मॉम उसे समझाती है कि देखो माया, हम किसी भी लिविंग बींग को नहीं मारते हैं, हम सभी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद उसकी मॉम अपनी पावर्स का यूज करके उस पक्षी को हील कर देती है, यानी कि उसकी मॉम सच में एक हीलर है। एंड फाइनली वो पक्षी बिल्कुल ठीक हो जाता है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट डे, चूला आती है अपने हस्बैंड स्कली के पास, यानी कि एक्स हस्बैंड स्कली के पास, एंड उसे मांगती है एक सिलाई मशीन जो कि काफी टाइम पहले उसने उसे दी थी रखने के लिए। तो यहाँ पे स्कली वो सिलाई मशीन निकाल के उसे दे देता है। ये देखकर चूला काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी तक स्कली ने ये मशीन संभाल के रखी है। स्कली कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम इसे लेने जरूर आओगी। तो यहाँ पे चूला ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि स्कली आज भी उसे उतना ही प्यार करता है। अब चूला जब अपनी फाइल्स लेके बाहर निकलती है तो यहाँ पे उसकी एक आदमी से टक्कर हो जाती है और सारी की सारी फाइल्स नीचे गिर जाती है। वो आदमी उसकी हेल्प करता है फाइल्स उठाने में, एंड ये आदमी और कोई नहीं बल्कि किंग पिन यानी कि विल्सन फिस्क होता है। और इसके बाद वो उससे बातें करना चालू कर देता है और चूला की बातें सुनके ये कंफर्म हो जाता है कि वो माया की मॉम है, मतलब कि विल्सन फिस्क फाइनली माया लुपियस तक पहुंच गया। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं माया को जो कि पहुंचती है एक रेस्टोरेंट के पास, एंड यहाँ पे वो उन लेंस को निकाल लेती है जो कि विल्सन फिस्क ने उसे गिफ्ट किए थे और फेंक देती है डस्टबिन में। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं बिस्किट्स को जो कि चौकटाव की इवेंट को संभाल रहा था, एंड तभी यहाँ पे आ जाता है जेन जो कि बिस्किट्स की बात नहीं सुन रहा था, मतलब साफ है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। यहाँ पे बिस्किट्स माया को वार्न करने की ट्राई कर रहा होता है बट माया उसको इग्नोर करती है, लेकिन वो वापस से मैसेज करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम और सिस्टर मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ बट वो मुझे नहीं दिख रही। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि माया उसी पंछी को वापस से देखती है जो कि एपिसोड की स्टार्टिंग में बचपन में उसने मारा था, एंड फिर उसकी मॉम ने उसे ठीक करके उसे उड़ा दिया था। माया निकल लेती है चूला के घर की तरफ बिकॉज उसे काफी ज्यादा टेंशन हो चुकी थी अपनी नानी की, एंड अंदर जाती वो तैयार होती कि अंदर कोई भी हो वो उसे मार देगी, लेकिन यहाँ पे उसे दिखाई देती है उसकी मॉम। ये रियल में उसकी मॉम नहीं है बल्कि उसे अपनी मॉम के ग्लिम्स दिखाई दे रहे हैं। उसकी मॉम उसे कहती है कि देखो माया, तुम्हें ओवरकम करना पड़ेगा, तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा, पुरानी चीजों को अगर तुम ऐसी लेके बैठी रहोगी तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी, एंड तुम चिंता मत करो, हर मोड में तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हारे साथ हैं, जब भी तुम किसी मुसीबत में होगी तुम्हारे एंसेस्टर्स आके तुम्हारी हेल्प करेंगे।
जाएंगे एंड तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। वो माया को काफी ज्यादा मोटिवेट कर देती है और कहती है कि तुम अपने एंसेस्टर्स की एको हो एंड यहाँ पे उसे नाम मिल जाता है एको। इसके बाद उसी सूट को पहन लेती है जो कि उसकी नानी ने बनाया था और तभी हम देखते हैं जेन को जिसने पूरे फंक्शन को अपने कंट्रोल में ले लिया था एंड यहाँ पे वो बस वेट कर रहा था माया का कि कब वो यहाँ पे आए और वो उसे मारे। अब माया यहाँ पे पहुंच चुकी है और वो ढूंढ रही होती है चूल्हा को। तभी हम देखते हैं कि इस फेस्टिवल में हेनरी भी आ गया होता है एंड यहाँ पे बिस्किट्स को समझाता है कि देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है तो अपनी गन तैयार कर लो। यहाँ पे बिस्किट्स उसे कहता है कि मेरे पास इससे भी ज्यादा तहलका मचाने वाला आइडिया है एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एको को। फाइनली ढूंढते ढूंढते उसे विल्सन फिस्क मिल जाता है एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि विल्सन ने उसकी बहन यानी कि बोनी और चूला को अपने अंडर में ले रखा है। और विल्सन फिस्क जो कुछ भी कह रहा होता है वो बोनी ट्रांसलेट करके बता रही होती है एको को, क्योंकि आंखों के लेंस तो उसने फेंक दिए थे तो विल्सन फिस्क जो कह रहा है उसे डेफिनेटली समझ में नहीं आने वाला, तो यहाँ पे किसी ना किसी को तो फर्ज अदा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चालू होता है एक एक्शन सीन। विल्सन फिस्क का एक बंदा माया की तरफ बढ़ता है उसे पंच करने के लिए एंड तभी यहाँ पे माया को ग्लिम्स आते हैं अपने एंसेस्टर्स के। जितने भी उसके एंसेस्टर्स थे उसे वो दिखाई देने लगते हैं एंड वो सारे के सारे जो अब तक हमने एको सीरीज में देखे वो सब उसके आसपास खड़े होते हैं। एक्चुअली वो बस माया को दिख रहे हैं और किसी को नहीं दिख रहे हैं एंड ये सभी काम करेंगे एको को एनर्जी देने का। अब यहाँ पे एको के अंदर काफी सारा पावर्स आ जाती है और वो एक एक करके विल्सन फिस्क के हर बंदे को धो रही होती है। ये एक्शन सीन सच में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा होता है और तभी माया एक मूव करती है जिससे कि उसकी बहन बोनी और उसकी नानी चूला को भी पावर्स मिल जाती है एंड यहाँ पे तीनों मिलकर फोड़ने लग जाते हैं सभी के सभी गुंडों को। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं बिस्किट्स और हेनरी को एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि बिस्किट्स ने चूला के ट्रक को बहुत ही खतरनाक मॉडिफाई करा दिया था। वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर ट्रक लग रहा होता है। गाड़ियों को कुचलते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है और बाहर के दोनों भी गुंडों को संभाल रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड अंदर भी मामला काफी गर्म चल रहा होता है, बहुत ही खतरनाक एक्शन सीन चल रहा होता है एंड यहाँ पे माया चूला और बॉनी इस बैटल को जीत जाते हैं। बसता है तो सिर्फ विल्सन फिस्क। अब माया जाती है उसके पास एंड यहाँ पे वो उसे पकड़ के अपनी पावर्स यूज करके उसे हील करने की ट्राई करती है। अब विल्सन फिस्क को अपना सारा का सारा पास याद आने लगता है। वो देख रहा होता है अपने सारे के सारे सेंस को, जो सब कुछ उसने किए हैं और ये सब देख के उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसे वो इवेंट भी याद आता है जब उसने अपने डैड को मार दिया था और ये सब देख के उसके अंदर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पे उसके पास एको आ जाती है और वो उसे समझाती है कि देखो तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा। वो बताती है कि मैं भी पुरानी चीजों को भूल चुकी हूँ और मूव ऑन कर चुकी हूँ और यही सही रास्ता है। कब तक पुरानी ही चीजों में अटके रहोगे। अब यहाँ पे अगर वो चाहती तो विल्सन फिस्क को आराम से मार सकती थी, लेकिन उसने उसे नहीं मारा बल्कि जाने दिया। वो विल्सन फिस्क को सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है और आराम से उसकी लाइफ जीने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पे विल्सन फिस्क काफी ज्यादा कंफ्यूजन में था कि आखिर इसने एक बार और मेरी लाइफ क्यों बचा ली, मतलब कि मुझे वापस से क्यों बख्श दिया, मारा क्यों नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली वापस से हैप्पीली साथ में रहने लग गई है। चूला, माया, बॉनी, बिस्किट्स, हेनरी सब लोग साथ में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और काफी हैप्पीली इस एपिसोड की एंडिंग होती है, यानी कि शो की एंडिंग काफी ज्यादा अच्छी हुई। बट वेट, अभी कहां जा रहे हो, पोस्ट क्रेडिट सीन बाकी है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं विल्सन फिस्क को जो कि टीवी देख रहा होता है अपने प्लेन में बैठ के और यहाँ पे उसे पता चलता है कि न्यूयॉर्क सिटी में मेयर की रेस हो रही है, यानी कि कौन इस रेस को जीतेगा, जो जीत जाएगा वो बन जाएगा मेयर एंड यहाँ पे विल्सन फिस्क का मन कर रहा होता है मेयर बनने का। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और इससे हमें इस चीज का तो हिंट आराम से मिल गया कि किंग पिन अब बनने वाला है मेयर, तो शायद डेयरडेविल का काम थोड़ा सा ज्यादा हार्ड होगा। तो फाइनली ना सिर्फ एपिसोड बल्कि पूरा का पूरा सीजन हमने निपटा लिया और आपको हमारे एफर्ट्स कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इफ यू एंजॉयड दिस वन एंड होल सीजन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू ऑन द चैनल, शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस अप।